अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज इस टाइम मौजूद हूँ टोयोटा फैसलाबाद के ऊपर और आज इस गाड़ी का हम रिव्यू करने जा रहे हैं वो टोयोटा रिवोल्ट 2021 फेसलिफ्ट मॉडल। आज की वीडियो में हम लोग इसको रिव्यू करेंगे, देखेंगे क्या चेंजेस गाड़ी में दिए गए हैं एज कम्पेयर टू ओल्ड रिवो और न्यू रिवो के लिए। सो आज की वीडियो शुरू करते हैं, करने जा रहे हैं। ये है टोयोटा रेवो 2021 फेसलिफ्ट मॉडल जो कि पाकिस्तान मार्केट में रिसेंटली इंट्रोड्यूस करवाया गया। सो जो इसके अंदर आपको सबसे पहले जो चीज़ें नोटिसेबल मिलती हैं वो गाड़ी का फ्रंट है कि आपको इसकी फ्रंट बम्पर किट चेंज मिल रही है, यहाँ पर लाइट्स आपको चेंज है और इसके साथ साथ जो एक और एक खूबसूरत सी चीज़ है जो कुछ लोगों को पसंद रखे क्योंकि नहीं आई क्योंकि वो इसके अलॉय व्हील्स हैं। आपके यहाँ पे रिम गाड़ी के बिल्कुल चेंज दिए गए हैं जो कि पुराने मॉडल से काफ़ी चेंज यहाँ पे दिए जाते हैं। और इस टाइम मैं आपको गाड़ी की 360 लुक देता जा रहा हूँ, उसके बाद हम इसके इंटीरियर में भी जाएंगे। तो मैं इस गाड़ी की बैक के ऊपर आता हूँ तो आपके यहाँ पर बैक लाइट भी चेंज नज़र आ रही है। हिलेक्स लोगो वी इट स्टैंड फॉर अ फुल ऑप्शनल क्रूज कंट्रोल टोयोटा रेवो 2021। और इसी तरह ही यहाँ पे आपको इस साइड के ऊपर भी एज इट इज ओल्ड मॉडल की तरह डोर हैंडल्स क्रोम नज़र आएंगे। शीशे यहाँ पे आपको साइड में रिट्रैक्टेबल और पावर हैं जो कि पुराने मॉडल में भी दिए गए हैं और ये आपको इसकी एक्सटीरियर लुक नज़र आएगी 2021 की। अगर अब इसके इंटीरियर के ऊपर आता हूँ तो आपको यहाँ पे स्टेयरिंग पुराना 3-spoke स्टेयरिंग मिलेगा जिसकी वन साइड पर क्रूज़ और एक साइड पर मल्टी मीडिया सेटअप नज़र आता है। और यहाँ पे एक जो इंफोटेनमेंट सिस्टम नज़र आता है जो कि 2020 के लास्ट में टोयोटा ने चेंज कर दिया था, इसमें एंड्रॉयड कारप्ले काफ़ी कुछ फंक्शंस चेंज कर दिए गए थे। उसके बाद जो एक इसमें मेन चेंजेस है इंटीरियर में वो इसका कलर ब्लैक, आपको यहाँ पे ब्रूनो इंटीरियर्स को चेंज करके जो कि आपको यहाँ पे ब्राउन कलर की लेदर सीट्स मिलती थी, अब आपको यहाँ पे ब्लैक कलर की लेदर अपोस्टली नज़र आती है और यहाँ पे डोर्स के अंदर आपको प्लास्टिक और यहाँ पे सिल्वर गार्निश प्लेट नज़र आती है। एज इट इज मैं बैक के ऊपर जाता हूँ तो यहाँ पे आपको ड्यूल एसी नज़र आएगा और ये आपको यहाँ पे एसी का डक्ट नज़र आ जाता है रियर सीट्स के लिए। और ये इसकी बैक सीट सीटिंग कैपेसिटी जो कि पुरानी थी और उसी ही चीज़ को इन्होंने यहाँ पे अपडेट किया है लेदर को ब्लैक पोस्टियर के। गाड़ी में अंदर बैठने की पोजीशन अपनी चेक करके बताता हूँ तो यहाँ पे आपको ब्लैक लेदर के साथ साथ यहाँ पे आपको इसका जो स्पीडोमीटर है वो गाड़ी का चेंज मिलेगा। अनफॉर्चुनेटली इस समय पर गाड़ी की चाबी यहाँ पे मौजूद नहीं है तो आपको स्पीडोमीटर यहाँ पे चेंज रहता है जो कि न्यू आने वाले प्राडो के अंदर यहाँ पे आपको दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे इसके अंदर 4x4 के कंट्रोल नज़र आ जाएंगे जो कि यहाँ पर आपको नज़र आएंगे अभी, और इसके साथ साथ आप यहाँ पर इनको कंट्रोल कर सकते हैं। और उसके बाद ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, इको मोड और पावर मोड के साथ साथ आपको इस गाड़ी के अंदर वो चीज़ें सारी मिल जाएंगी। बात करूँ तो आपको यहाँ पे 2.8 डीजल इंजन नज़र आता है जो कि पुराने फॉर्चुनर वाला ही यहाँ पे आपको दिया गया है। इंजन रिप्लेसमेंट में या इंजन के टॉक में कुछ भी चेंजेस नहीं किए गए, ओल्ड इंजन को ही इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल किया गया है। और उसके साथ यहाँ पर आपको 4x4 और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की सहूलत। तो ये था गाइस आज का हमारा रिव्यू 2021 फेसलिफ्ट फॉर्च्यूनर के बारे में। इसकी अगर मैं आपके प्राइस के बारे में बात करता रहूँ तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 7.6 मिलियन के पास पास जो कि बन जाती है 76 लाख के राउंड अबाउट। और ये गाड़ी आने वाले कुछ टाइम के अंदर आपको मार्केट में नज़र भी आना शुरू हो जाएगी और शोरूम्स के ऊपर भी अवेलेबल होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। अगर आप ये रिवो या ऑल रिवोज को अवेलेबल स्टॉक को चेक करना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, हमारे शोरूम पर विजिट कर सकते हैं। और अल्लाह हाफिज़।